पेड़। हाँ ये आमी हल्दी है, आमी हल्दी है। हाँ धीरे करो, टूटना नहीं चाहिए। मिट्टी अच्छे से उसको हल्दी निकालने के बाद मिट्टी को धोएंगे। आज आमी हल्दी का सब्जी बनाना बताएंगे कुकिंग क्लास में। हाँ हाँ देखो हल्दी। नमस्कार, आज क्लास में कुकिंग क्लास ले रहे हैं। कुकिंग क्लास में आमी हल्दी का साग बनाना बता रहे हैं। आमी हल्दी अपने बगीचे से लिए हैं और ये हरी मिर्च, मीठा नीम, ये सब भी अपने बगीचे से लिए हैं। आमी हल्दी को अच्छी तरह से धो करके कद्दूकस कर लिए हैं और इसमें 5 प्रकार का छौंक लगाएंगे, 5 चीज़ का। उसमें कलौंजी, अजवाइन, मेथी, हरी मिर्च और मीठा नीम, ये हम अपने ही बगीचे से लिए हैं। इसको सरसों तेल में बनाएंगे। इसके लिए ये देखिए 4 चम्मच सरसों तेल, 700 तेल में बनाएंगे और पांच प्रकार का इसमें छौंक लगाते हैं और ये सब अपने ही बगीचे से लाए हैं। आमी हल्दी में एकदम आम जैसे खुशबू रहता है। ये देखिए इसमें कलौंजी 1/2 चम्मच, मेथी 1/2 चम्मच, अजवाइन 1/2 चम्मच, इतना छौंक इसमें, और हरी मिर्च और मीठा नीम का, ये सब धो के रख लिए हैं। ये देखिए ये है आमी हल्दी और इसमें दही, इतने आमी हल्दी को बनाने के लिए दही लगेगा 1/2 किलो। दही को अच्छे से फेंट करके रख लिए हैं। इसको अब 10 मिनट तक अच्छे से भूंजना है। इसमें कच्चे आम जैसा खुशबू रहता है, इसको हम अपने ही बगीचे से निकलवाए हैं। इसमें सेंधा नमक डालेंगे और 1 चुटकी हल्दी डालना है। हल्दी कई सब्जी है लेकिन रंगत के लिए 1 चुटकी हल्दी डालेंगे। तो 10 मिनट तक अच्छे से भूंजना है। ये सेंधा नमक है, 1 चम्मच सेंधा नमक डाले हैं और ये 1/2 किलो इसमें दही डाले हैं और ये फिर ये 10 मिनट फिर पकेगा। यह साग बहुत ही हेल्दी होता है, आमी हल्दी का साग बहुत हेल्दी है। ये देखिए हमारी कच्ची आमी हल्दी का साग बन चुका है। आमी हल्दी, कच्ची आमी हल्दी ये है, ये हम अपने ही बगीचे से लिए हैं। यह उसकी पत्ती है, आप इसको चाहें तो गमले में भी उगा सकते हैं या गमले में भी हो जाता है। और कद्दूकस करके दही डाल के इसको बनाना है। इसमें 5 प्रकार का छौंक लगाए हैं और 1/2 किलो दही, हल्दी मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और ये देखिए यह खाने के लिए एकदम तैयार है, बन चुका है। ये देखिए यह हल्दी का पत्ता है और यह कच्ची आमी हल्दी है। यह सब्जी बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप लोग भी, और यह हल्दी मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, सब्जी की दुकान में।
तो आप लोग भी बनाइए, बहुत हेल्दी सब्जी है। और हमारे वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। धन्यवाद।